सोशल मीडिया पर इन दिनों आपको एक वीडियो बार बार देखने को मिलेगा जहां गौतम गंभीर टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रवि शास्त्री ने अपने जीवन में वर्ल्ड सीरीज की ऑडी के अलावा कुछ नहीं जीता, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग के समय में जो टेस्ट टीम थी वही सबसे बेस्ट थी। जिन रवि शास्त्री के बारे में गौतम गंभीर बात कर रहे थे उनकी कोचिंग के वक्त ही टीम इंडिया ने दुनिया की लगभग हर टीम को उसके घर में जाकर हराया है और शिकायत करने वाले गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने तो टीम इंडिया अपने ही घर में हार गई, और वो भी कोई छोटी मोटी हार नहीं बल्कि क्लीन स्वीप वाली हार। कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल जिताने के बाद जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने तो गजब का माहौल बनाया गया था। कहा गया था कि अब पूरी टीम लाइन पर आ जाएगी, स्टार कल्चर खत्म हो जाएगा। गौतम गंभीर आए तो उन्होंने लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा स्टाफ ही यहाँ आ गया। एक तरह से ऐसा लगा कि ये केकेआर एक्सटेंशन की टीम चल रही है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अंत में तो आपको नतीजे ही चाहिए, लेकिन पहले आप श्रीलंका में हार गए, वो भी उनके घर में सामने जाकर। उसके बाद आप बांग्लादेश को ही हरा पाए और इस जीत के साथ माहौल ऐसा बनाया गया कि देखिए कि जीजी एरा की क्या गजब की शुरुआत हुई है। लेकिन जैसे ही आपके सामने एक सही सी टीम आई जो आपसे टक्कर ले पाए, उसके सामने आप बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं हारे हैं, पहले ये होता था कि आप पहला मैच हार जाते थे, घंटी बज जाती थी तो आप सीरीज में अलर्ट होकर फिर जीत जाते थे, लेकिन अब की बार तो ऐसे गिरे कि उठ ही नहीं पाए। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा था कि चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। गंभीर ने तो ये भी कहा था कि हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन बनाए और दो ढाई दिन बैटिंग भी कर ले, साथ ही 20 विकेट निकालकर आपको मैच भी जिता दे। लेकिन अभी तक 5 टेस्ट मैच जो हमने देखे हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। बांग्लादेश के खिलाफ भी आप पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं दिखा पाए, ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। सोचिए कि घर में ही आप 46 पर ऑल आउट हो गए थे, आप 150 चेज भी नहीं कर पा रहे हो। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट हुआ था तब भी बहुत हल्ला मचा था, लेकिन अब आखिर क्या हो गया है? ऐसे में सवाल है कि गौतम गंभीर जिस प्लान की बात कर टीम इंडिया में आए थे और कोच बने थे, उस प्लान का आखिर क्या हुआ? ऐसा क्या हो रहा है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया में वो बदलाव नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के जिस इंटेंट की वनडे वर्ल्ड कप 2023 में तारीफ हो रही थी, वही इंटेंट अब टीम इंडिया पर भारी पड़ने लगा है। क्योंकि अब कब तक यही कहेंगे कि हमारा इंटेंट देखिए, क्योंकि भाई साहब आपके इंटेंट के चक्कर में टीम जीत नहीं पा रही है। आप शुरू के 2 ओवर में 2 चौके मारकर आउट हो जा रहे हैं और बाद में टीम को संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि हमारी टीम बिना इंटेंट के खेल ले, क्योंकि वही अच्छे दिन थे, वरना आप घर में 0-3 से हारे हैं। अगर ऐसा ही खेले तो आप ऑस्ट्रेलिया में 0-5 से भी हारेंगे, और अगर ऐसा ही हुआ तो सही यही रहेगा कि आप लोग यानी कि जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं वो रिटायरमेंट ही ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।